दोस्तों, अगर आप DSLR लेने की सोच रहे हैं या आपके पास पहले से ही DSLR है, तो आप चाहते होंगे कि हमारा DSLR जो है सेफ रहे और अच्छे से वर्क करे। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं आज ऐसी तीन चार एक्सेसरीज जो आपके पास DSLR खरीदते वक्त होनी चाहिए या DSLR लेने के बाद में आप ले लें। क्या हाल है दोस्तों, मैं हूँ मनोज, आप देख रहे हैं टेक्निकल मतलबत। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो आपको DSLR लेते वक्त खरीदनी चाहिए या बाद में भी ले सकते हैं, वो है आपका लेंस का हुड। ये बेसिकली 18-55 mm लेंस के लिए मैंने ये लिया है और ये हर एक लेंस के लिए साइज़ के हिसाब से मिल जाता है। बेसिकली ये वाला जो लेंस है मेरा, जो ये मेरा लेंस है, इसमें वो किट लेंस है 18-55 mm वाला। तो 18-55 mm के लिए आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको हुड लेना है, तो जो लेंस पर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ, लेंस पर आपको फाई की वैल्यू देखने को मिलती है। इसमें जो फाई की वैल्यू है 58 mm लिखी हुई है, तो उसी के हिसाब से आपको लेंस हुड लेना पड़ेगा। इस पर मैं दिखाऊँ तो आपको देख सकते हैं आप, 58 mm लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो ये हुड है, ये इसको फ्लोवर हुड बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा फ्लोवर डिजाइन में आता है। और डिसाइड कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, लेंस पर लिखा होता है फाई में वैल्यू, उसके हिसाब से आप इसे डिसाइड कर सकते हैं कौन सा हमें हुड लेना है। सबसे पहले तो मैं आपको इसे लगा के दिखा देता हूँ एक बार। तो सिंपल कुछ नहीं है, आपको ये ऐसे करके लेंस के ऊपर रखना है यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से आपको इसे क्लॉक वाइज टाइट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ही आपको लगाने को देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ ये आपको खरीदना क्यों चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि जब आप बाहर शूट करते हैं, आउटडोर वगैरह में शूट करने जाते हैं, तो आपकी जो सनलाइट होती है अगर डायरेक्ट लेंस पे पड़ती है वो, तो उससे क्या होता है आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है थोड़ी, और वीडियो की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। क्योंकि जब सनलाइट डायरेक्ट लेंस पर पड़ती है तो उससे क्या होता है, थोड़ा ब्लर जैसा इफेक्ट आ जाता है पिक्चर पर। तो उसी लिए आपको ये लेना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा इसका रीज़न है कि ये आपके लेंस को भी सेफ रखता है। जैसे कहीं भी आप ले जा रहे हैं तो कैसे भी ये टकरा जाता है दीवार वगैरह से, किसी से भी, पेड़ वगैरह से, तो ये थोड़ा लेंस को सेफ रखता है। तो अगर इसके प्राइस की मैं बात करूँ तो ये हर प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा, 150 से लेके 500-800 तक देखने को मिल जाता है। मैंने जो लिया है ये है, इसकी बहुत ही कम प्राइस है, ये मात्र 160 रुपये का मुझे पड़ा है अमेजोन से। तो दोस्तों, एक अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए, अच्छा 4K वीडियो शूट करने के लिए और फाइल को स्मूथ ट्रांसफ़र करने के लिए अपने DSLR से और लैपटॉप में, उसके लिए आपको ज़रूरी है एक अच्छा मेमोरी कार्ड होना। जो कैमरे के साथ मेमोरी कार्ड आता है वो आता है 16 GB का, जो कि एक स्लो मेमोरी कार्ड होता है। बेसिकली मुझे तो मिला ही नहीं है अपने कैमरे के साथ, तो अगर आपके पास आपको मिल भी जाता है तो वो 16 GB का मिलता है, तो आपको एक मेमोरी कार्ड भी अलग से लेना चाहिए जो कि एक फास्ट स्पीड वाला होना चाहिए। तो मेरे पास है, जो मैंने ख़रीदा है अलग से, ये है 64 GB का एक फास्ट मेमोरी कार्ड जो है SanDisk का। तो देख सकते हैं आप, ये मेमोरी कार्ड है 64 GB का SanDisk का, और इस पर लिखा हुआ है एक्सट्रीम 150 MB/s। तो ये एक फास्ट मेमोरी कार्ड है जिससे आप अपनी फाइल्स को बड़े ही स्मूथली लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और 4K वीडियो भी बड़े ही आराम से ये शूट कर सकता है। तो अगर मैं इसकी प्राइस की बात बताऊं आपको, तो ये मैंने 1200 रुपये में परचेस किया है। बाकी इसकी जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होती रहती है अमेजोन पर। तो एक अच्छा मेमोरी कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, आपके काम पर कोई असर ना पड़े और स्मूथली आपका काम होता रहे। तीसरी जो हमारे पास DSLR कैमरे के लिए एक्सेसरीज है, वो है हमारा UV फिल्टर। तो देख सकते हैं आप, इसकी पैकिंग कुछ इस तरीके से आती है। ये है आपका DSLR लेंस के लिए UV फिल्टर। UV फिल्टर मतलब ये बेसिकली होता है आपका अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने के लिए, बट मेरे हिसाब से ये आपका कैमरे के जो लेंस होता है उसे सेफ रखता है डस्ट वगैरह से, जब आप आउटडोर वगैरह शूट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका एक तरह से लेंस को सेफ रखता है। और ये जो मेरे पास यूवी फिल्टर है, ये 2-लेयर यूवी फिल्टर है कोडक कंपनी का। तो ये इसका अगर मैं प्राइस की बात बताऊं तो ये मुझे 550-550 रुपये का पड़ा है लगभग। और अगर आप 16 लेयर का भी आता है इसके साथ, 16 लेयर का अगर आप लेना चाहें
तो आप ले सकते हैं वो, उसका प्राइस 800 850 के करीब मिल जाएगा आपको देखने। अब मैं बताता हूँ आपको ये लगाना कैसे, इसका भी साइज आपको कैसे डिसाइड करना है वो मैंने जैसे बताया था, लेंस पर जो फाई की वैल्यू होती है उसी के हिसाब से रहता है। ये भी 58 mm का लेना पड़ेगा आपको 18-55 लेंस के लिए, अगर आपके पास 18-55 लेंस है तो। ये जो लेंस है इसको अगर आपको DSLR पे लगाना है सिंपल, अगर आप इसे ऐसे रख के, थोड़ा ऐसे रखते हैं, ऐसे रख के और ऐसे करके आप, तो कुछ इस तरीके से आपको ये रखना है और ऐसे टाइट कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी जो भी डस्ट वगैरह आपकी जो उड़ती है बाहर, आप शूट करते हैं वीडियो, तो ये आपके लेंस के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि लेंस जो होता है वो आता है महंगा, उसे चेंज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। ये आपका 500 रुपये तक का पड़ गया है। तो अगर जैसे मान लो अगर आपकी उंगली भी टच हो जाती है तो क्या करोगे आप, लेंस को क्लीन करने के लिए आपको रूमाल वगैरह या किसी कपड़े से क्लीन करोगे तो उसमें क्या है, स्क्रैच रहने के थोड़े चांस हो जाते हैं। तो आप अगर इसे लगा लेंगे, इस पर उंगली वगैरह टच हो जाएगी तो इसे आप क्लीन कर सकते हैं और ये स्क्रैच आ जाएगा इस पर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये मुश्किल से आपका 500 रुपये का आ जाता है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से इसका यूज यही है कि ये डस्ट से आपका सेव रखता है लेंस को। बाकी इसके ऊपर आप इसे भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लगा दिया तो आपका ये नहीं लग पाएगा इस पर, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये भी इसके ऊपर से लग जाता है, तो इसे भी आराम से आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे लास्ट जो एक्सेसरीज है वो है हमारे कैमरे की डिस्प्ले के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर। देख सकते हैं आप, ये एक्विटास कंपनी का स्क्रीन प्रोटेक्टर है और ये मैंने बेसिकली अमेजोन की रेटिंग देखकर ख़रीदा था और अच्छी खासी रेटिंग थी इसकी। बाकी अभी मैं आपको इसे इस पर अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसकी पैकिंग देखने को मिलती है, पैकिंग वगैरह सही आती है और इसमें आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आपको कुछ इसमें देखने को मिलते हैं, जो आपको बेसिकली जब आपको डिस्प्ले पर इसे लगाएंगे स्क्रीन प्रोटेक्टर को, तो सबसे पहले दिखा देता हूँ मैं कुछ। ये आपका डस्ट एब्जॉर्वर है, जिससे कि आपको डिस्प्ले पर कोई डस्ट पार्टिकल होते हैं उसे रिमूव करने के लिए दिया हुआ है। और एक दो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें वाइप्स, जो एक आपका है वेट और एक है ड्राई, तो वेट से आपको वो क्लीन करना है और देन उसके ड्राई से आपको पोंछ देना है। ये थोड़ा सा छोटा एक गाइड करने के लिए आपको पेपर दे दिया है, जिसे आप देखकर और अप्लाई कर सकते हैं अपने स्किन प्रोटेक्टर को। तो अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको एक कपड़े से क्लीन करना है, फर्स्ट नंबर पर यही दिखा हुआ है, पहले नंबर पर यही लिखा हुआ है। तो मैं इसे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, जो भी इस पर निशान वगैरह बने हुए हैं। जो दूसरा आपको देखने को मिलता है स्टेप, वो है ये डस्ट एब्जॉर्वर। देख सकते हैं आप, जो भी आपके इस पर थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल होंगे तो वो इस पर आ जाएंगे। इसका भी थोड़ा यूज कर लेते हैं, ये वेट, पहले वेट वाला निकाल लेता हूँ मैं, ये कर लेना है क्लीन। और ये है ड्राई, तो कुछ इस तरीके से ये देखना, ये पकड़ के आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ मैं, ऐसे कर लेना। तो ये आपको थोड़ा कॉर्नर से रखना है ताकि अच्छे से बैठ जाए। तो देख सकते हैं आप, ये आराम से हो चुका है, लग चुका है हमारा स्क्रीन प्रोटेक्टर। और इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, तो देख सकते हैं आप ये क्लीन हो चुका है हमारा। तो दोस्तों हर बार की तरह एक ही बात बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।